हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए लौकी से बनने वाली हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से आपके बेबी का पाचन अच्छा हो जाएगा, आपके बेबी को कब्ज की समस्या नहीं होगी, साथ ही साथ आपके बेबी का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छे से होगा। जैसे कि गर्मियों का समय है, बेबी को पानी की कमी ना हो, तो इसीलिए दोस्तों इस हेल्दी फूड को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से इस हेल्दी फूड को बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और दोस्तों अब एक चम्मच घर का बना देसी घी ले लेंगे। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब एक चुटकी हम जीरा ऐड कर लेंगे। जीरे को 10 सेकंड तक अच्छे से चटकने देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमने 20 से 30 ग्राम के करीब फ्रेश लौकी ले ली है, उसके बारीक पीसीस काट के तैयार कर लिए हैं। इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों साफ धुली हुई 2 छोटे चम्मच चावल, 2 छोटे चम्मच पीली मूंग की दाल ले ली है और अच्छे से 1 मिनट तक दाल, चावल और लौकी को अच्छे से भून लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फूड को आप अपने बेबी को सप्ताह में 2 बार खिलाएंगे तो आपके बेबी को पानी की कमी नहीं होगी। यहाँ पर 1 मिनट लगभग हो चुका है और जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से भूनकर रेडी हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम 200 से 250 ml के करीब पानी ले लेंगे, लगभग 1 मीडियम साइज़ गिलास के बराबर। फूड को करछी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों 1 चुटकी नमक ऐड कर लेंगे, 1 चुटकी हल्दी ऐड कर लेंगे और 1 चुटकी गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अगर दोस्तों आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है तो आप नमक अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि 1 साल के नीचे बच्चों को नमक नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। लगभग 5 से 6 सीटी आप इस फूड में आने दीजिएगा और गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इस फूड को अपने बेबी को डिनर, लंच किसी भी टाइम पर आसानी से दे सकते हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 सीटी लगभग आ चुकी है। अब गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और फूड को ठंडा होने देते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों फूड यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और फूड को अच्छे से करछी से मैश कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपका बेबी 1 ईयर से ऊपर है तो आप इतनी क्वांटिटी में अपने बेबी को आसानी से दे सकते हैं। अगर आपका बेबी 1 ईयर से छोटा है तो फूड की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों फूड को हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और अपने शिशु को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी शिशु है वो 1 ईयर की कम्प्लीट हो चुकी है, उसी के लिए सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है। और दोस्तों यकीन मानिए, इस फूड को इस तरीके से बनाएंगे तो आपका बेबी खुद ही बहुत ही चाव से खाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी फूड की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।